प्राचीन काल का मंदिर भगवान चतुर्भुजनाथ मंदिर पर जबर से मूर्ति स्थापित। पिछोर भौंती थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मनपुरा में लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर भगवान चतुर्भुजनाथ मंदिर पर जाति विशेष के द्वारा जबरन माँ सरस्वती जी की मूर्ति स्थापना को लेकर ग्रामीण जनों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने झूठे आरोप लगाकर ग्रामीणों को कई ग्रामीणों के नाम लिखकर थाना एवं एसपी कार्यालय पर लोगों के खिलाफ झूठे आवेदन देकर ग्रामीण जनों पर प्रशासन द्वारा जबरदस्ती दौसा जमा कर प्रशासनिक कार्यवाही करने को प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि मंदिर परिसर महलों के जमाने का मंदिर है। उस परिसर में कोई पर्सनल मूर्ति लगाने का नियम नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मूर्ति स्थापित करने के लिए गांव के लोगों एवं मंदिर के पुजारी पर जबरदस्ती मूर्ति स्थापित करने को धमकियां दी जा रही हैं। चूंकि मंदिर राजाओं के वंशज का है, तो ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि हमारे ग्राम के राजा साहब टीकमगढ़ में निवास करते हैं, उनसे परमिशन ले लो, अगर वह कह देंगे तो कहीं भी मूर्ति रख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब इस बारे में राजा साहब को संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं मनपुरा आकर ही निर्णय लूंगा। मनपुरा आए और उन्होंने मूर्ति रखने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही भौती थाना प्रभारी को आवेदन देकर ग्रामीणों ने लगाई अर्जी, कार्यवाही रोकने की लगाई गुहार। मैं सागर देव सिंह और राजदीप सिंह हाल टीकमगढ़, लेकिन मेरा पैतृक गांव मनपुरा पड़ता है, जहां पर मेरी 4-5 पीढ़ी, मतलब कि आज 2 पीढ़ियों से मैं टीकमगढ़ में हूं हाल में, उससे पहले सब लोग मनपुरा से थे। तो मनपुरा में एक बहुत ही पैतृक मंदिर है जो कि मेरे पूर्वजों का है। मेरी दादी सास, दादी की सास, सास को क्या बोलते हैं, दादी सास कहते हैं उनकी, उनको चतुर्भुज भगवान ने कहावत है कि उन्हें सबका स्वप्न दिया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम ब्रज कुमारी था, ब्रजवान कुमारी। उनको स्वप्न दिया था भगवान ने कि कहावत है, उसको मैं हकीकत में नहीं कह सकता, कहावत है कि इस ज़मीन पे, मतलब कि अब मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे निकाल, यहाँ से निकाल लो। तो वहाँ पे खुदाई करवा कर उनने मूर्ति निकलवाई थी और उसको मंदिर में प्रस्थान करवाया था। तब से, मतलब कि कम से कम 125 साल के समथिंग हो चुके हैं और मंदिर में, मतलब कि आज भी वैसी प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है, पूजा अच्छे से हो रही है, लेकिन कुछ दिनों से, मुझे 2-3 दिन से कॉल आ रहे हैं कि वहाँ पे, मतलब कि मंदिर के कॉरिडोर में और भी मूर्तियाँ रखी जा रही हैं। मुझे मूर्तियों से दिक्कत नहीं है, अगर सब लोग मूर्ति रखते जाएंगे तो मंदिर में जगह नहीं बचेगी, और मुझे किसी भी मूर्ति या किसी भी धर्म से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब मंदिर में जगह नहीं बचेगी तो क्या, कैसे पूजा हो पाएगी। इसलिए बहुत सा एरिया मंदिर के लिए और भी दिया गया है, कृपया कर जिसको भी मूर्ति की स्थापना करनी हो, किसी भी भगवान की हो, तो बगल में बहुत सारी जगह हम लोगों ने निकाल के रखी है, वहाँ पे पूर्वजों ने निकाल दी थी कि आप लोग आगे बगल में भी मंदिर बना सकते हैं। तो कृपया कर मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो भी नया मंदिर बनाना हो, तो आसपास बहुत सारी ज़मीनें अलॉट की गई थी, तो आप वहाँ पर भी नया मंदिर बना सकते हैं। नमस्कार। आपका नाम? पवन कुमार कोटी। आज यहाँ चतुर्भुज मंदिर पर जो तालाबंदी और गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, किस बात को हुए? सुबह से प्रशासन भी यहाँ लगा हुआ है, क्या मामला है? ये मामला ये है कि यहाँ पीढ़ियों से जो पैतृक, यहाँ केवल 3 मूर्ति स्थापित हैं, चतुर्भुजनाथ की, राधा कृष्ण जी की, राम जानकी की, जो कि सार्वजनिक हैं। हाँ, और मेन मंदिर जो चतुर्भुजनाथ का है वो राजा की स्थापना करवाई हुई है, राधा कृष्ण की स्थापना राजा की करवाई हुई है, जो हमारी रामजान की स्थापना है वो सार्वजनिक गांव की तरफ से करवाई हुई है, जो हनुमान जी की प्रतिष्ठा है वो भी प्राचीन काल की है। ठीक है, इसमें ये जाति की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती है, हमारे राजा का भी आदेश है, ग्राम का भी आदेश है, मेरी परमिशन से ना देने से या अथवा देने से या ना देने से कोई फर्क नहीं है, जो ग्राम उसमें फैसला करेगा वही सर्वोपरि होगा। आज जो मामला हुआ है उसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या कारण है? उसका मेन कारण है जबरदस्ती मूर्ति स्थापन करना चाहते हैं। कौन सी मूर्ति रख रहा है? सरस्वती जी की मूर्ति है, यहाँ जबरदस्ती अभद्रता से व्यवहार करके बस्ती वालों को दबा के, मुझे दबा के जबरदस्ती यह मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। तो क्या इन लोगों ने पहले परमिशन नहीं ली? परमिशन नहीं ली है, मुझसे पूछ के गया, उसके बाद 4 दिन में कार्ड छपवा के आ गया, मूर्ति की तैयारी कर ली, बस्ती से कोई ने डिसीजन नहीं लिया, मैंने जब कहा कि बस्ती को बुलाओ, इनने बस्ती को बुलाया, उसमें डिसीजन हुआ कि मूर्ति मंदिर के परिसर के बाहर स्थापित होगी। इन्हें हमने 1 बीघा ज़मीन मंदिर परिसर में दे रखी है, उनका जो देवता है वहाँ 1 बीघा ज़मीन है मंदिर की, उसमें स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती का ये कहना है,
नहीं कि हम तो मंदिर में ही अंदर ही स्थापित करेंगे और ये हमारे राजा का आदेश है और बस्ती का आदेश है कि यहाँ मंदिर परिसर में मूर्ति स्थापित नहीं होगी। मेरा रमेश कुमार लोधी जी। रमेश जी, आज जो चतुर्भुज मंदिर पर जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, पूरा गाँव इकट्ठा है, पुलिस प्रशासन भी सुबह से यहाँ बैठा हुआ है, क्या मामला है आज यहाँ पर? क्या है, ये प्राचीन मंदिर है हमारे ग्राम का, पूरे समस्त ग्राम सार्वजनिक मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। अब यहाँ पर क्या है, मंदिर परिसर के भीतर जो है सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करने पर यह प्रक्रिया चल रही है। वंशकार समाज जो है, वंशकार समाज के चतुर्भुज वंशकार जी द्वारा श्री सरस्वती मैया की मूर्ति मंदिर परिसर के भीतर स्थापित करना चाहते हैं। वहाँ पर चूँकि प्रांगण कम है, जगह कम है, उसमें जगह की कमी है और जगह एक जगह पुजारी की बैठने की जगह है, उस जगह पर स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ पर पुजारी चरणामृत और प्रसाद वितरण करने की आसन है उनकी, पुजारी की वहाँ पर विराजमान करवाना चाहते हैं। हमारा सभी ग्रामवासियों का कहना है कि मंदिर परिसर से बाहर दरवाजे पर जो प्रांगण है उसमें आप स्थापित करवा लें, मंदिर बनवाएं और करवा सकते हैं, ना कोई रोक टोक है। सभी मंदिर में आते हैं, जाते हैं, सभी दर्शन करते हैं, सभी समाज वर्ग के सभी, कोई किसी को बंधन नहीं है। और आगे अगर इस तरह मूर्ति स्थापित एक समाज द्वारा यहाँ पर स्थापित कर दी गई तो अन्य समाज के कोई भी व्यक्ति आके यहाँ व्यक्तिगत रूप से मूर्ति स्थापित करने की मांग करेगा, ऐसा तो समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए व्यक्तिगत रूप से किसी की पर्सनल मूर्ति स्थापित करने का यहाँ विधान नहीं है और ग्रामवासियों का यही फैसला लिया है। मनपुरा में चतुर्भुज प्राण मंदिर में कुछ लोगों द्वारा मूर्ति का जबरदस्त स्थापित करने का वो था, तो कुछ गाँव के लोगों के उन्होंने FIR करवाई है गांव के लोगों पर और जबरदस्त मूर्ति रख रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी FIR इस संबंध में कोई भी FIR नहीं है। जो भी उनकी शिकायतें थी वो उन्होंने लिखित में दी, आवेदन पत्र लेकर उसको जांच में ले लिया है और दोनों ही पक्षों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूर्व से ही कर दी गई थी, जिसमें शीघ्र ही उनको बाउंड ओवर करा दिया जाएगा। सर, आज कुछ ग्रामीण लोग यहाँ थाने पर आए थे और उन्होंने कुछ आवेदन दिया है, क्या आवेदन था? और उन्होंने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में दिया था। उनका कहना था कि ये लोग बाहर से यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, मतलब पूर्व में यहाँ रहे होंगे पर अभी वर्तमान में यहाँ निवास नहीं करते हैं और यहाँ गांव का जो सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको ख़राब कर रहे हैं। इसके संबंध में गाँव वालों ने चिंता व्यक्त की थी और जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के अनुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जाएगी।